हेलो। तो गाइस अभी मॉर्निंग टाइम है और मैं थोड़ा सा ना वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब चल रहा हूँ। तो गाइस बता दूँ मैं आपको, सुबह सुबह चलने का ना कुछ मज़ा ही और होता है। अगर आप 10-15 मिनट वॉक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन अच्छा ही फील होता है। तो गाइस यहाँ पे ले लिए मैंने थोड़ी सी दही, क्योंकि सुबह सुबह है। तो पेड़ के बारे में टूर करवाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ पेड़ लगाए हुए हैं और मैं उनको आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये जो पेड़ है इसको मैं कल लेके आया था, कल शाम को जब ड्यूटी से आ रहा था उस टाइम लेके आ रहा था। तो इसमें ना पहले एक पेड़ और लगा हुआ था जो कि सूख गया था। तो मैं आ रहा था तो सामने ही फिर नर्सरी पड़ती है, उसको देख के मेरे को याद आया कि चलो एक पेड़ ले चलता हूँ। तो ये पेड़ है, ये लेके आया था मैं, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा पेड़ है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैंने ना कुछ पेड़ है, पौधे है जो लगा रखे हैं घर पे। तो एक ये पेड़ है, देखने में अच्छा लगता है मगर मेरे को पता नहीं है ये किस चीज़ का पेड़ है। और एक ये पेड़ है, इसका पता नहीं फाइकस कुछ ऐसा ही नाम होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये कल लेके आया था और ये मैंने कल ही लगाया था। एक ये पेड़ है, ये मौसमी का है। और उसके बाद फिर ये है, ये भी शायद साइकस का, ये भी फाइकस का है शायद। इधर देखे तो नीम का पेड़ है और इस पे ना ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बोगनवेल है। ठीक है, बोगनवेल है और ये बाउंड्री के ऐसे ऊपर ऊपर लगा हुआ है इस टाइम में। तो आप इधर आओगे तो इधर आपको एक अमरूद का पेड़ मिलेगा, जो भी अभी इसमें अमरूद लगे हुए हैं, पिछले साल तो नहीं लगे हुए थे लेकिन इस साल काफ़ी लगे हुए हैं इसमें। और यहाँ पे एक मोरपंख मिल जाता है आपको। और ये इस साइड में है अमरूद का पेड़, जो कि इसमें पिछले साल नहीं लगे हुए थे और इस साल कुछ लगे हुए हैं। ये रे इधर है, इधर है, वहाँ पे भी लगे हुए हैं पिछली साइड में, ये इस साइड में भी है। तो इस बार लगे हुए हैं, बाकी देख। यहाँ पे है ये तुलसी के पौधे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, जो कि मम्मी पता नहीं कहाँ से बीज लाई थी और उगा दिए ये। तो गाइस ये पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का है, मुझे पता तो नहीं था लेकिन मैंने जब नर्सरी में देखा तो अच्छा लगा तो मैं ले आया। वैसे ये मोर पंख जो होता है कुछ उस टाइप का है, लेकिन इसमें ना कांटे भी है छोटे छोटे से, तो देखने में अच्छा है तो मैं ले आया उसको। और बाकी ये एक मोरपंख, तो ये देखने में कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि मैंने लगाए हुए यहीं पे, थोड़ी जगह थी तो यहीं पे मैंने लगा दिए सब। थोड़े खुले खुले भी हैं और अच्छे लगते हैं दिखने में। तो गाइस अभी मैं जो पहले दिखाया था वो घर का था, और यहाँ पे भी मैंने कुछ पेड़ लगा रखे हैं, जो कि ये हमारा खरक है, बिल्कुल जस्ट घर के सामने ही है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने एक मोरपंख का पेड़ लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ तोरई की बेल हो रखी है, जो कि ये नीम पे चढ़ रही है। फिर यहाँ पे भी एक पेड़ है, यहाँ पे भी है, देखो ये मैंने ये कलम लगाई थी मैंने काट के, और अभी ना इसमें वो आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं और काफ़ी जल्दी पेड़ हुआ है ये। इधर भी है, तो मतलब काफ़ी पेड़ है, ये तो शायद उसके है, मेरे को याद नहीं है किस चीज़ का वैसे, लेकिन फूल बहुत अच्छे आते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे भी एक अमरूद का पेड़ है, जो कि इसमें अभी फूल वूल तो नहीं आए हैं, मतलब वो नहीं लगे हैं। तो ये इधर भी है, ये फाइकस का पेड़ लगा हुआ है और इस पे देखो ये तोरई की बेल चढ़ रही है। तो तोरई और अमरूद के हमने वो लगाए थे बीज, मतलब यहाँ पे लगाए थे लेकिन हुए थे, और उनको पता नहीं ये कट्टो खा गई, कौन खा गया। तो यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट पेड़ है वो हमारा अमरूद का है, तो इसमें भी अमरूद लगे हुए हैं, ये देख लो आप, यहाँ पे है, वहाँ पे भी ऊपर लगे हुए हैं। और फिर एक ये पेड़ है, मेरे को इतना नाम याद नहीं है, बस नर्सरी में जाता हूँ जो ठीक ठाक सा लगता है उसको मैं ले आता हूँ। ये पेड़ भी मैंने यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे ये कद्दू की बेल हो रही है और यहाँ पे अशोक का पेड़ है,
सुक्का वो वाला पेड़ है जो ऊपर जाता है ना सीधा सीधा, एक तो होता है छाया टाइप का, एक सीधा जाता है ब्रो, तो ये वो वाला पेड़ है। तो यहाँ से अब आगे नेक्स्ट आप थोड़ा सा आओगे तो इधर भी है, ये अशोक का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, ये अशोक का पेड़ है, और इस साइड में एक ये मोरपंख का पेड़ है। तो बताना चाहूँगा ये जो इस टाइप में जो लगे हुए हैं, ये मैंने एक ही दिन में नहीं लगाए थे, मैं ऐसे करके लाया था, एक पेड़ का भी, दो पेड़ का भी, तीन पेड़ का भी, ऐसे करके लाया था। तो यहाँ पे ये ठूटी लगी हुई है जो कि इनमें पानी वानी देता है, और वहाँ पे एक ड्राम रखा हुआ है पानी थोड़ा सा सेव करने के लिए। तो यहाँ पे भी एक अमरूद का पेड़ है, बाकी ये अमरूद का पेड़ मैंने सबसे पहले यही पेड़ लगाया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, ये यहाँ पे हमारी भैंस थी तो भैंस बनती थी, तो उसने वो तोड़ दिया था ये वाला पेड़ है जो, तो ये दोबारा से फूट रहा है, और इसमें भी देखो लगे हुए है, इस साइड में लगा हुआ है, ये लगा हुआ अमरूद, ये रहा तो लगा हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ा पेड़ होता क्योंकि सबसे पहले पेड़ लगाया था मैंने। आप देख सकते हो जड़ से काफ़ी हैवी है और बाकी इस टाइप का दिखता है कुछ। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ये नीचे लगे हुए हैं, तो इस टाइप में यहाँ पे देखोगे तो ये आगे एक कमरा बना हुआ है और यहाँ पे एक चौतरा है, तो इस चौतरा पे भी मैंने काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं जो कि मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो अब चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक नीम का पेड़ लगा हुआ है जो कि अभी इतनी छाया नहीं देता लेकिन आने वाले टाइम में छाया देगा। इस टाइप में भी एक नीम का पेड़ रखा हुआ है, और वो सामने एक मटका भी रखा हुआ है इसमें पानी वानी पीने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये पेड़ है जो कि पाम मेरी पाम सेरी, मेरे को नाम याद नहीं है बाकी क्या है, इसे नेक्स्ट पेड़ है आपका मौसमी का है, पर इससे जो नेक्स्ट पेड़ है वो आपका अमरूद का है। तो ये पेड़ भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कभी करीबन करीबन 10-12 दिन हुए हैं जब मैंने ये पेड़ लगाया था, तो यहाँ पे कुछ ईंट बची हुई थी तो उसका गमला वमला बना के मैंने बना दिया था। तो गाइस ये फिर नेक्स्ट पेड़ है, नेक्स्ट पेड़ फर्स्ट साइकस का है, फिर इससे आगे साइकस का है। यहाँ पे एक ये पेड़ है, ये मतलब ऐसा ही होता है, नाम मेरे को पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम वाम याद नहीं है मेरे को, बस जो अच्छा लगता है लिया था वो लगा देता हूँ। तो ये मतलब कैड़ी कैड़ी पत्ती आती है और इसमें थोड़े कांटे कांटे से भी होते हैं, तो देखने में कुछ इस टाइप का लगता है। फिर इससे आगे चलेंगे तो इससे आगे भी नेक्स्ट पेड़ यही है, इससे नेक्स्ट पेड़ ये है, फिर इधर एक ये पेड़ लगा हुआ है जो कि साइकस का है, उसके बाद फिर एक ये पेड़ है, फिर एक ये पेड़ है साइकस का, अगला एक नेक्स्ट पेड़ है ये अमरूद का पेड़ है, फिर इससे नेक्स्ट ये भी मैंने 10-15 दिन ही हुए हैं ये भी लगाए थे, एक ये वाला और एक जो इधर दिख रहा है सामने वो वाला, दोनों साथ ही में लगाए थे। तो इधर एक तुरई की बेल हो रही है और ये इधर चार पेड़ हैं ये भी साइकस के हैं, ठीक है। और यहाँ पे है एक मटका जिसके अंदर है पानी, तो इसलिए रख रखा है, कोई भी यहाँ पानी वानी पी सकता है। तो अंदर एक कमरा है, यहाँ पे चार पाई है, कुर्सी है, बाकी इधर विंडो है, तो मतलब देखने में सही लगता है। और सामने से यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू दिखता है, ये चौतरा का है, ये चौतरा का व्यू है, और इस साइड में भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं। बाकी इससे जैसे ही नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे ईंटें वीटें बिछाई हुई है, पहले ये कच्चा था तो यहाँ बारिश में ना थोड़ी रिपटन रिपटन हो जाती थी, तो इस साइड में है। तो यहाँ से देखो फिर मैंने बाकी ये इसके आगे आगे थोड़े से पेड़ लगा रखे हैं ये वाले इस साइड में, ये मेन गेट हो जाता है और ये सामने हमारा घर है, तो जस्ट सामने के घर ही हमारा घर है बिल्कुल। तो इधर ये नीम का पेड़ है और ये इधर भी कुछ देखने में ऐसा व्यू आता है, ऐसा पीछे तक लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हरा हरा है। तो बाकी ये दो अमरूद के पेड़ लगाए मैंने वो भी हो जाएंगे, तो इस वाली बाउंड्री के साथ भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना। और इस साइड में देखोगे तो वहाँ कुछ लकड़ी पड़ी हुई है जो कि इन्हीं नीमों से काटते हैं, बाकी जलाने वलाने के लिए काम आती है, और इधर बिटोड़ा है और इस साइड में एक अमरूद का पेड़, वो उसका
पेड़ है। गाइस यहाँ पे ना एक मैंने ये भी बना रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, तो जैसे कभी कभार धूप होती है तो यहाँ पे छाया आ जाती, छाया होती है मोस्टली, तो यहाँ पे दोपहरी में अपना मम्मी कपड़े वपड़े धो लेती है और पानी भी यहीं से ले लेती है। ये पानी है, ड्राम लगा हुआ है यहाँ से, ये सीधा टंकी लगी हुई है, तो ये पाइप दबा रखा है मैंने घर से टंकी के लिए, तो यहाँ पे हम भर देते हैं अपने ड्राम ड्राम को, भरते थे जो कि अभी आप देखो पानी है इसमें, साफ साफ पानी है बिल्कुल। तो देखो गाइस ये तो रही है, कितना अच्छा फूल आ रहा है इसमें, मेरे को अभी एक एक फूल तो ये आ रहा है और एक फूल ये है इस साइड में, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। जो ये वाले पेड़ है ना, ये वाले मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सर्दी गर्मी में भी हरे ही रहते हैं और फूल आते रहते हैं इनमें, देखो कितने, मतलब क्या बताऊँ आपको, कितना अच्छे लग रहे, देखो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और काफ़ी बड़ा फूल आता है और देखो अच्छा भी लगता है। देखो क्या है? तो मम्मी अक्सर इनको तोड़ती रहती है क्योंकि पूजा वूजा के लिए, मैं तो मना करता हूँ फूल मत तोड़ो करो, पर वो ले जाती है तोड़ के। तो देखो इसमें क्या है बीच में, देखो देखने में अच्छा लगता है, दूर से ही दिखता है, नज़र पड़ता है। अगर यहाँ पे छाया की बात करें ना, तो काफ़ी अच्छा मन लगता है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ पेड़ है नीम के, बाकी नीचे भी छाया होती है, तो काफ़ी अच्छा मन लगता है गर्मियों में यहाँ पे। और इस टाइप का कुछ है जो पेड़ वेड़ मैंने लगा रखे है, इस टाइप का है, और आप देख सकते हो ये दो कलम भी मैंने लगाए थे यहाँ पे, ये रही जो बाकी अभी हो रही है अच्छे से, ये वाली कलम भी मैंने लगाई है और ये वाली कलम भी लगाई है, तो अभी दोनों हो रही है, देख लो हो रही है ना, फूट रहे इसमें, पत्ते आ रहे हैं दोनों में। गाइस वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।